Hello friends, welcome to our channel Chandan Institute of Education. तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम 2 equals to 0 यानी 2 equals to 0 कैसे प्रूव करें। आपको सुनकर अजीब लगता होगा कि 2 equals to 0 ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, चलिए दोस्तों देखते हैं। वेलकम बैक। पहले हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले हमें जानना है कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। यहाँ पर है रूट ओवर ऑफ -3, रूट ओवर ऑफ -5, रूट ओवर ऑफ -10। ये सारे रूट ओवर ऑफ माइनस कोई भी नंबर हो, उसके आगे अगर रूट ओवर के अंडर में अगर अंदर में माइनस रहता है तो वो सारे इमेजिनरी नंबर है। तो ये सब नंबर इमेजिनरी क्यों है? नहीं, नंबर इमेजिनरी इसलिए है क्योंकि इनके साथ रूट ओवर -1 मल्टीप्लाइड है। ये आप देख सकते हैं -1, देखिए रूट के साथ √10 इंटू रूट ओवर -1, √5 इंटू रूट ओवर -1, √3 इंटू रूट ओवर ऑफ -1। तो यहाँ गड़बड़ी की कौन कर रहा है? यहाँ गड़बड़ी कर रहा है रूट ओवर ऑफ -1। तो ये रूट ओवर ऑफ -1 को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको आई से डिनोट किया जाता है या फिर आई जो लेटर है उससे डिनोट किया जाता है। तो आई का वैल्यू क्या हो गया? आई का वैल्यू हो गया रूट ओवर ऑफ -1। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? आई स्क्वायर मतलब आप बोथ साइड स्क्वायर कीजिए तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, रूट हट जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम दो आइडेंटिकल फॉर्म्स लेते हैं। तो आइडेंटिकल फॉर्म्स है कि -1 इक्वल्स टू -1। अब इसी आइडेंटिकल फॉर्म्स को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, जैसे -1 डिवाइडेड बाय 1 और दूसरी तरफ 1 बाय -1। अब क्या करते हैं, अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स करते हैं। तो रूट ओवर ऑफ -1 बाय 1, रूट ओवर ऑफ 1 बाय -1। अब क्या करते हैं ना, रूट को दोनों तरफ से स्प्लिट कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ से। तो मेरे पास क्या आता है ना, रूट ओवर ऑफ -1 डिवाइडेड बाय √1 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ -1। अब जहाँ पर मुझे रूट ओवर ऑफ -1 मिला है वहाँ पर हम आई पुट कर देते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ भी आई का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ -1। तो जहाँ पर हमको रूट ओवर ऑफ -1 मिला वहाँ पर हम आई पुट करें। तो आई पुट करने के बाद हम इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें मिलता है आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग बैठा देते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, जो मैंने पहले ही दिखाया आपको, ये देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो आई स्क्वायर का वैल्यू बैठा देते हैं, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो -1 इधर चला जाएगा तो +1 बन जाएगा, तो 1 + 1 इक्वल्स टू 0, 2 इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूफ। तो इसी तरह से हम 2 इक्वल्स टू 0 को प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगा बहुत जल्दी, कि इसका दूसरा एक तरीका है, कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिलेटेड है, इसका एक दूसरा मेथड है जिससे हम 2 इक्वल्स टू 0 को प्रूव कर सकते हैं। हमारा और भी कुछ अपकमिंग वीडियोस है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। हम आर एस अग्रवाल के मैथ बुक का 6 से लेके क्लास 12 तक फुल सॉल्यूशन और एम एल अग्रवाल के मैथ बुक 6 से लेके क्लास 12 तक ICSE एंड ISC का पूर मैथ बुक सॉल्यूशन आपको वीडियो पर वीडियो मिलता रहेगा। ये यूट्यूब में फर्स्ट टाइम है, तो सारे स्टूडेंट को बोला जाता है कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारे सारे वीडियो से अपने आप को अपडेट रखें। और ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक कैट, मैट, जैट, स्नैप, रेलवे, बैंकिंग, SSC, UPSC एटसेट्रा, उन सभी एग्जाम्स के फुल सॉल्यूशन मैथ्स, इंग्लिश, GK
एंड रीजनिंग का सब वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद।